दोस्तों एक मोटे आदमी के कुर्ते की कटिंग करेंगे। उसका नाप है लंबाई 51 इंच, सीना 52 इंच, पेट 52 इंच, शोल्डर 24 इंच, आस्तीन 28 इंच और कॉलर है उनका 19 इंच तैयार। और कफ इसमें लगेंगे 11 इंच। चौड़ाई आप चाहे जो रखें 2.25 इंच रखें, 2.5 इंच रखें, आपके अनुसार है, चाहे 3 इंच रखें। और इसमें कपड़ा लगेगा 36 इंच का, 36 इंच अर्ज वाला कपड़ा लगेगा आपको 4.25 मीटर, यानी कि 3 मीटर और 75 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका दामन निकालने के लिए अपन यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं। और यहाँ सीना है इनका 52 इंच। दोस्तों इनका सीना है 52 इंच, तो 52 का आधा करेंगे, ये आधा होता है 26 इंच। तो 26 इंच पे अपन निशान लगा दिया और यहाँ से 6 इंच और आगे बढ़ा देंगे अपन। ये इस तरह से 6 इंच बढ़ा दिया, तो दोस्तों इसका दामन टोटल हो जाएगा 32 इंच। ये 26 इंच प्लस 6 इंच यानी कि 32 इंच का दामन होगा। तो दोस्तों ये 16 इंच पे मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है। ये देखिए आप 16 इंच, ये 16 इंच पे है और इसको मैंने डबल कर रखा है, तो ये 16 और 16 32 इंच हो गया। दोस्तों ये 52 इंच और आधा इंच नीचे की सिलाई के लिए अपनों ने इंची टेप बिछा दिया है पूरा। ये दोस्तों यहाँ से अपन 2.5 इंच लेंगे शोल्डर डाउन करने के लिए, और यहाँ अपन मुड्डा के लिए 10.5 इंच लेंगे, क्योंकि 52 इंच सीना है तो उसका 1/4 अगर अपन 13 इंच करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अपने को 10.5 इंच ही लेना है। और यहाँ अपन 19 इंच पे पॉकेट का निशान लगाएंगे, ये पेट का निशान भी है और पॉकेट का निशान भी है। और 19 और 7 इंच अपन पॉकेट का मुंह खुला रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक मुंह खुला रखेंगे पॉकेट का, साइड पॉकेट के लिए। और यहाँ अपन 2.5 इंच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ नीचे आएंगे अपन, इसकी लंबाई 51 इंच है, पहले मैंने आपको 52 इंच के दी, एक्चुअली में 51 इंच लंबाई है। और 51 इंच में अपन आधा इंच और जोड़ेंगे तो ये 51.5 इंच हो गया। इस तरह से ये पूरा इंची टेप 51.5 है। अब यहाँ से एक बार और समझा देता हूँ आपको, यहाँ से शुरू हुआ है 2.5 इंच शोल्डर डाउन के लिए है, 10.5 इंच मुड्डे के लिए है, और ये 19 इंच पेट का निशान कहो या कमर का। और यहाँ से यहाँ तक 7 इंच लिया है अपनों ने पॉकेट, साइड पॉकेट खुला रखने के लिए, और यहाँ से यहाँ तक अपनों ने 2.5 इंच लिया है। चलिए दोस्तों यहाँ गले का निशान लगाएंगे, ये अपन 3 इंच पर लगाएं। और यहाँ से अपन 2.5 इंच लेंगे और इसको गोल कर देंगे। इसके बाद यहाँ से फीते को उल्टा करेंगे और ये 3 इंच अपनों ने ये जो निशान लगाया, इस निशान से अपन 3 इंच मिलाएंगे और इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। शोल्डर है अपना 24 इंच, तो इस तरह से 24 इंच पे आप निशान लगाएंगे, 12 12 इंच पे निशान लगाएंगे, 12 दूनी 24 इंच हो जाता है। तो ये शोल्डर का आधा है 12 इंच, और 12 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ मार्जिन 1/4 इंच एक सूत पे अपन मार्जिन रखेंगे, जो सिलाई में मुड्डे की सिलाई के लिए मार्जिन होगा। तो यानी कि कुल मिला के आपको 12 इंच प्लस 1/4 इंच एक सूत पे निशान लगाना है आपको इस तरह से। दोस्तों अब यहाँ चलेंगे अपन, सीना है अपना 13 इंच, सीना है अपना 52 इंच, 52 इंच का अपन 1/4 करेंगे तो 13 इंच होगा। ये 13 इंच पे अपन निशान लगाएंगे और यहाँ से अपन इसको 2.5 इंच लूज देंगे। ये दोस्तों 2.5 इंच लूज दे दिया है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से पेट, पेट में भी 52 इंच पेट है, 52 इंच पेट का 1/4 होता है, 52 इंच का 13 इंच, और 13 पे अपन निशान लगा दिया और यहाँ भी अपन 2.5 इंच लूज दे देंगे। दोस्तों ये इसी तरह से बिल्कुल सीधा जाएगा,
ये इस तरह से अपनों ने मिला दिया है, और यहां से अपन इसको क्रॉस मिला देंगे, और यहां से देखिए अपनों ने ये 52 इंच का 1/4 जो आया है 13 इंच यहां निशान लगाया। अब यहां से यहां नहीं मिलाएंगे अपन, ऐसे सीधा नहीं मिलाएंगे अपन, इसको इस तरह से मिलाएंगे, ये इस तरह से मिला के यहां गोलाई दे देंगे, ये अपन इसको इससे नहीं मिलाएंगे। तो ये फ्रंट की ड्राइंग हो चुकी है। यहां अपन इसको घेर के अंदर, यहां घेर में अपन इसको गोल देंगे, तो आप यहां से गोल कर दीजिए, ये इस तरह से गोल निशान लगा दीजिए। अब इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों यहां जो सीना है 52 इंच, 52 इंच का जैसे मैंने 1/4 लिया 13 इंच, तो 13 इंच के बाद यहाँ जो 2.5 इंच लूज दिया, आप चाहें तो इससे और भी ज़्यादा लूज दे सकते हैं, और अगर आप कम करना चाहें तो 2 इंच से कम मत करिए कभी भी, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइट हो जाएगा और उतारने और पहनने में बहुत मुश्किल होगी। ये जो पेट था, इस पेट भी 52 इंच है, 52 इंच का 1/4 होता है 13 इंच, और ये 13 इंच में मैंने निशान लगा दिया, और यहाँ पर भी मैंने 2.5 इंच लूज दिया है। अगर आप चाहें तो और लूज दे सकते हैं, इसके लिए आपको दामन बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इसका उधर करना पड़ेगा। अभी ये बराबर में आ गया है यहाँ, तो 2.5 इंच बहुत होता है वैसे, अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन 2 इंच से मोटे आदमी के लिए कभी कम मत करिए आप। दोस्तों हमेशा आप ड्राइंग कीजिए उल्टे कपड़े के ऊपर, कभी सीधे के ऊपर कपड़े के ऊपर ड्राइंग मत करिए आप, ये कपड़ा उल्टा है और इसी के ऊपर उल्टे कपड़े पे ड्राइंग कीजिए। दोस्तों यहाँ पॉकेट का भी निशान लगा देते हैं अपन, यहाँ देखिए आपको 2 इंच पे पॉकेट का निशान लगाना है, और ये 5.5 इंच पॉकेट लगेगी इसके ऊपर, तो आप यहाँ पॉकेट का निशान लगा दीजिए। तो दोस्तों बैग के लिए मैंने कपड़ा बिछा दिया है, और इसको भी अपनों ने 16 इंच कर दिया है डबल, यहाँ से यहाँ तक 16 इंच कर दिया है, और इसके ऊपर अपन फ्रंट रखेंगे। दोस्तों यहाँ अपन पीछे माला लगाएंगे, बड़मा रखेंगे माले को, और उसके ऊपर जो है इस तरह से ये इस तरह से माला लगाएंगे, ऊपर से लगाएंगे। तो यहाँ अपने को बैग बढ़ाने के लिए कम से कम 2.5 इंच कपड़ा चाहिए, तो ये अपन इस फ्रंट से 2.5 इंच ऊपर बढ़ाएंगे, इस फ्रंट से 2.5 इंच ऊपर रखेंगे, ये इधर भी अपन 2.5 इंच रख देंगे। दोस्तों यहाँ अपनों ने 3 इंच लिया था, ये यहाँ पर भी अपन 3 इंच रखेंगे, और इस तरह से निशान लगा देंगे। अब दोस्तों ये जो 2.5 इंच बढ़ाया है अपनों ने, इसके लिए आप फिता यहाँ रखिए और इसको डबल कर दीजिए, ये 2.5 इंच प्लस सिलाई का लीजिए, तो ये 3.25 इंच हो जाएगा। ये 3.25 इंच पर आप इस तरह से मुड़िए, और ये देखिए यहाँ सेंटर हो गया इसका, यहाँ पर आप इस तरह से निशान लगाइए, और इसको ऐसा कर दीजिए,
ये अपना ये गला हो गया दोस्तों, इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब यहाँ से शोल्डर है अपना 24 इंच, तो यहाँ आप 12 इंच रखिए, 12 × 24 इंच होता है, और यहाँ पर आप इस तरह से रखिए और 1/4 इंच एक सूत पे आप मार्जिन के लिए निशान लगा दीजिए इस तरह से, और यहाँ से आप इसको ये ऐसे मिलाइए। दोस्तों अब इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये बेक की कटिंग हो गई है। अब यहां देखिए आप, यहां देखिए गले के यहां जो है ये ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसको यहां से अपन कटिंग करेंगे। आप हमेशा इस तरह से माला अगर बढ़ाएं तो इस तरह से मिला दीजिए, मिलाने से ये कहाँ छोटा बड़ा पड़ रहा है तो मालूम पड़ जाएगी। ज़्यादातर ये बढ़ते हैं दोनों तरफ से, तो आप यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर दीजिए। अब अपन यहाँ पर आप निशान लगा दीजिए इस तरह से, बैक और फ्रंट दोनों में यहाँ हल्के कट लगा दीजिए, ताकि यहाँ पर अपने को पॉकेट लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से कट लगाने से बैग में भी निशान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आस्तीन का कपड़ा बिछा दिया मैंने, इसको मैंने इस तरह से यहाँ ऐसे डबल कर लिया है और क्रॉस कर रखा है। ये देखिए आप, ये इस तरह से क्रॉस कर रखा है मैंने, तो आप भी क्रॉस कर लीजिए। इस तरह से क्रॉस कीजिए और यहाँ से लीजिए आप 11.5 इंच, सीना है अपना 52 इंच, 52 इंच का 1/4 होता है 13 इंच, तो 13 इंच में से आप 1.5 इंच माइनस कर दीजिए और ये 11.5 इंच आप रख लीजिए। तो यहाँ अपन 11.5 इंच पर निशान लगाएं, और आस्तीन की लंबाई है अपनी 28 इंच, यहाँ 28 इंच में से अपन 1 इंच माइनस कर देंगे, ये 27 इंच हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ कप लगेंगे 2.25 इंच के, तो 1/2 इंच इधर से सिलाई जाएगी, 1/2 इंच उधर से सिलाई जाएगी ऊपर से, इस तरह से करके वो कफ आप 27.25 इंच के कफ लगाएंगे तो आस्तीन 28 इंच तैयार हो जाएगी। और यहाँ से लीजिए आप 7 इंच, ये मोरी में से आप 7 इंच लीजिए, दोस्तों आस्तीन हमेशा आप उल्टे कपड़े पे ड्राइंग कीजिए और दोनों आस्तीनों को एक जैसी मत काटिए। ये कपड़ा उल्टा है और ये इस कपड़े पे भी मैं निशान लगा दिए, ये भी उल्टा है, तो उल्टे पे पूरे पे मैं निशान लगा रखे हैं। दोस्तों यहां पर आप ऐसे सीधा कभी मत काटिए, यहां से आप इसको गोले दीजिए इस तरह से, ये इस तरह से कटिंग करिए आप।
अब यहाँ ये जो आस्तीन है इसको उठाइए और इस तरह से आप यहाँ पर सिलाई छोड़ते हुए इसको मिला दीजिए और यहाँ आप निशान लगा दीजिए चौक से। इस तरह से चौक से निशान लगा के ये वाला जो हिस्सा है ये फ्रंट के लिए होगा। ये जो खड़ा हिस्सा है, ये जो खड़ा हिस्सा है ये फ्रंट के लिए, इधर यहाँ से फ्रंट की कटिंग करेंगे। और ये वाला हिस्सा बैग वाला होगा, तो इस बैग वाले हिस्से में ये आस्तीन की पट्टी कटेगी। तो ये जो अभी निशान लगाया है यहाँ से आप इस निशान से 1.5 इंच की दूरी पर कटिंग करिए। आप ये कटिंग करिए आप कम से कम 5 इंच 5.5 इंच, ये हैवी बॉडी है तो आप 6 इंच कटिंग कर लीजिए, इससे ज़्यादा आप कटिंग मत करिए। ये देखिए मैंने 6 इंच की कटिंग कर दी है इसकी, तो आप भी 6 इंच ही करिए। अब ये वाला जो हिस्सा है ये आस्तीन की पट्टी कटिंग करिए अपनों ने बैक साइड में, और यहाँ से कटिंग करेंगे अपन, यहाँ से कटिंग करेंगे फ्रंट के लिए। तो यहाँ अपन इसको उतार देंगे। ये जो अपन उतार रहे हैं ये हिस्सा फ्रंट की तरफ जुड़ेगा और ये हिस्सा बैक की तरफ जुड़ेगा। ये वाला बैक की तरफ जुड़ेगा और ये हिस्सा फ्रंट की तरफ जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप दूसरी कटिंग करेंगे, दूसरी आस्तीन की कटिंग करेंगे। दोस्तों ये मैंने जो आस्तीन के लिए, दूसरी आस्तीन के लिए कपड़ा बिछा रखा है ये सीधा है और ये इधर वाला हिस्सा उल्टा है। ये निशान लगा रखे मैंने उल्टे पे। आप सीधा बिछाइए और इसके ऊपर ये आस्तीन बिछाइए। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा कम है, यहाँ आपने टचर लगेगी आस्तीन ये जी, यहाँ इतना सा टचर लगेगा ये, और दूसरी वाली आस्तीन में इस वाली आस्तीन। तो दोस्तों ये अपनी कटिंग हो चुकी है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।